हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी हम लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं बाहर। एक्चुअली अरे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है वो? अच्छा वो गाड़ी का। अच्छा अरे हाँ 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 हो ये थे, ये क्या चल रहा है? अरे देखा देखा, बाप रे बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये तो। अरे वाह, अरे वाह, लाइट ऑन करो। तो बहुत अच्छा दिख रहा है ये गाड़ी के लिए। गाड़ी का निकला ना, ये गाड़ी का है। अच्छा उसमें नहीं आता आदमी, ये देखो मेरे फेस पे आ सकता है। तो ये ना गाड़ी के अंदर लगाने के लिए लाया था, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि इन्होंने बहुत सारे पार्सल मंगाए हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी को मेकओवर करना है गाड़ी का, तो इसी वजह से। तो ये वाला उसमें है पार्सल, और वो ना रात को अगर गाड़ी चलती है ना तो नीचे लगाते हैं शायद, है ना, तो ऊपर सीलिंग पे गाड़ी के, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा सीलिंग पे, वैसे ही वो गाड़ी की सीलिंग पे गिरता है। तो और ना उसकी डिजाइन भी होती है ना घुमाने से इसके। अद्वी की भी रेडी हो चुका है, अद्वी की तबीयत और खराब हो गई थी दोपहर में। आता तुझे बड़ी जाली तबीयत दोबारा से खराब हो गई थी ना थोड़ा सा भी, जैसे ही ये ठंडी पट्टियां रखते हैं चिल्लाने लगता है फिर, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, नहीं मेरी तबीयत ठीक है ना। आता मिथिलेश का बर्थडे, हाँ मिथिलेश का बर्थडे, चलो ना मिथिलेश का बर्थडे है, गिफ्ट नहीं लाया तो अभी पैकेट में कुछ डाल के दे देंगे। हाँ टाइम हो गया, ओ देखो टाइम हो गया ना, तो माही उसको दे दो, उसके पास दे दो, चलो जाके आते वहां पे बर्थडे पे पहले। हाँ उधर से उधर ही निकल जाए, ऐसे करते हैं हम लोग पहले बर्थडे के लिए जाते हैं, क्योंकि सामने माही के फ्रेंड का बर्थडे है, तो माही की लड़की नहीं है लड़का है, माही के फ्रेंड का बर्थडे है, तो वहां पर जाके आते हैं, फिर आते हैं उधर के उधर ही हम लोग मार्केट जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, तो जो भी कुछ लूंगी आपको पता चल ही जाएगा कि क्या लेने वाली हो। तो चलिए पहले जाके आते हैं वहां पे बर्थडे पे, और उसके बाद फिर मैं मार्केट में जाती हूँ। चाय दिखाओ, हो आए आ ले बर्थडे। एक्चुअली गाइज हम लोग यहाँ पे आ गए थे, बट यहाँ पर जो बर्थडे बॉय है उसकी मम्मा ही रेडी नहीं हुई है अभी तक, इसी वजह से चाय बन रही है यहाँ पे, और चाय पियेंगे और उसके बाद मार्केट जाएंगे, और उसके बाद आई थिंक दीदी रेडी होने गई है ना, तो रेडी होके आएंगे शायद, और अभी केक कट करेंगे, नहीं तो फिर अगर लेट होगा दीदी को तो उसके बाद हम उससे पहले हम लोग मार्केट जाके आते हैं, और उसके बाद केक कट होगा, तो अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो मैडम रेडी हो रही है रूम में, और यहाँ पर चाय बना रही है दीदी। एक्चुअली गाइज हमें मतलब वहाँ पर ही मार्केट में ही लेट हो गया था, तो उन्होंने कॉल किया था, तो हमने उनको बोल दिया था कि आप केक कट वगैरह कर लो, तो इस वजह से उन्होंने केक वगैरह कट कर लिया था, तो हमें लेट हो गया था घर पे आने के लिए। तो नाश्ता चल रहा था, तो नाश्ते में क्या क्या बनाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैं बैकग्राउंड वाइज नहीं करने वाली थी, मैंने माही को पूछा था कि कैसे बनाया है, टेस्टी बनाया है या नहीं बनाया है, तो एक्चुअली मैं बैकग्राउंड वाइज नहीं देने वाली थी यहाँ पर, बट देना पड़ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में ना बच्चे डांस कर रहे थे, तो म्यूज़िक चल रहा था, मतलब गाने चल रहे थे, तो वो मेरा ध्यान ही नहीं था जब मैंने ये शूट किया, तो अब जब एडिट कर रही हूँ वीडियो तब पता चला कि अरे गाने चल रहे, तो कॉपीराइट आ जाता अगर वो रखती वाइस, तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड वाइज देना पड़ रहा है। तो एक्चुअली ना जो नाश्ता बनाया था तो वो सारा दीदी ने बनाया था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक्चुअली मेनू में सांभर, इडली और क्या बोलते हैं, तो वड़ा सांभर रखा था, इडली थी, और स्वीट में रखा था लड्डू और केक था, और नमकीन भी रखा था, तो ये सारी चीज़ें हमने पेट भर के खा लिया था, तो हमें घर पे खाना ही नहीं बनाना पड़ा, पेट भर के खा के आए थे हम लोग वहाँ से। सो गाइज हम लोग बर्थडे से आ गए हैं, और वहाँ पर एक्चुअली हम लोग लेट पहुँचे थे वहाँ पे, तो इसी वजह से ना मेरी लिपस्टिक मैंने खा ली है, तो एक्चुअली हम लोग लेट पहुँचे थे वहाँ पे, तो इसी वजह से उन्होंने ना केक कट कर लिया था,
तो वो केक कट करना और ऑल शूट नहीं कर पाई मैं, और यहाँ पर अद्विक का मुंह फुला हुआ है। तो और ना मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं शॉपिंग करने गई थी, तो शॉपिंग करने के लिए जैसे कि आपको पता है अभी भाई की एंगेजमेंट हो गई थी, मतलब वो कज़न है मेरा, तो उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तो अभी उसकी शादी के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ एक्चुअली। तो एक दिन कुछ ले रही हूँ, एक दिन कुछ ले रही हूँ। तो उस दिन आपको पता ही है मैंने साड़ी ली थी कांचीपुरम, तो वो साड़ी पॉलिश होके आ गई थी, तो एक साथ ही मैं आपको वो वाली सारी शॉपिंग जो भाई की शादी के लिए की है वो सारी शॉपिंग मैं एक साथ ही दिखाऊंगी एक ब्लॉग में आपको, उस ब्लॉग का वेट करिएगा। और अभी ना मैंने जो शॉपिंग की है थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी, क्योंकि पिछली बार किसी ने बोला था कि शूट करना चाहिए था शॉप में, बट शॉप में शूट करना अलाउ नहीं है, फिर भी इन्होंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और वो भी खड़ा शूट किया था, तो इसी वजह से मैंने वो ऐड कर दिया है। तो एक्चुअली लहंगा और एक साड़ी लेने गई थी मैं, तो वो ले ली है, वो पॉलिशिंग के लिए डाला है लहंगा और वो। तो एक्चुअली ना मैंने एक अमेजोन से लहंगा ऑर्डर किया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अगर लेना हो वो लहंगा तो आप ले सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, और आपकी अगर मतलब हाइट वगैरह मेरी जितनी है या आपकी कम भी है हाइट, या आप मेरी साइज़ के हो तो आप उसे ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा लहंगा है। आप मेरे से थोड़ा सा मोटे भी हो तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि थोड़ी साइज़ में अच्छा खासा है वो लहंगा, और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज ये है वो लहंगा और मैं आपको दिखाती हूँ, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मीन्स मैं प्राइस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ये वाला लहंगा है। और घेर भी देखिए आप कितना ज़्यादा है इसे, मतलब ऐसा नहीं है कि घेरा नहीं है, घेरा भी बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ ना इसमें एक मतलब वो माइनस पॉइंट मुझे लगा कि इसमें ना अस्तर नहीं दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो पीछे से अस्तर नहीं दिया है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो आप लगवा सकते हो इसे अस्तर, बट बहुत ही सस्ता है। आई थिंक अभी इसकी प्राइस चल रही है 800 के अराउंड, ये मुझे मिल गया था, मतलब 700 एंड कुछ तो भी इसकी प्राइस है, तो उसमें मुझे ये मिला है। और आप देख सकते हो, एक मिनट मैं पूरा दिखाती हूँ आपको लगा के, ये देखिए पूरा इस तरह से है ये लहंगा, और मैं लगा के दिखाती हूँ आपको एक। तो आप अगर मेरे से साइज आपकी ज्यादा भी है तो आप ये ले सकते हो। इतना घेरा है इसका, और इतनी ज्यादा आई है मुझे साइज, तो आप ले सकते हो ये वाला। और इसमें ना सिर्फ माइनस पॉइंट इतना है कि इसमें सिर्फ अस्तर नहीं है, बाकी और कैन कैन नहीं है, तो आपको वो लगवाना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। और ब्लाउज भी काफी ज्यादा अच्छा दिया है, तो इसमें ब्लाउज आया है पूरा भरा हुआ, यहाँ पे फ्रंट है ये ब्लाउज का। तो एक मिनट, ये है राउंड नेक है इसका इस तरह से, और ये फ्रंट है पूरा भरा हुआ फ्रंट है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इस प्राइस में ये वाला लहंगा मुझे काफ़ी अफोर्डेबल में लग रहा है, ये वाला लहंगा ना, मतलब इसकी जो ये है वर्क है आप देख सकते हो, ये वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बिल्कुल चीप नहीं लग रहा है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लहंगा। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, देखिए, और नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हीवी वर्क है, और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इसका, नेवी ब्लू कलर है और उसमें शाइन है। और इसकी जो चुन्नी है वो भी आपको दिखा देती हूँ, इसकी चुन्नी भी आप देख सकते हो, इसकी चुन्नी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब नेट की है, और देखिए चुन्नी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो मुझे ओवरऑल ये लहंगा अच्छा लगा, तो इसी वजह से आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो लहंगे में तो आप ये वाला लहंगा ले सकते हो, क्योंकि 1000 के अंदर आएगा और क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हो तो। और अब मैं लेके आई हूँ उसका ब्लाउज पीस जो उस लहंगे का है जो मैंने लिया है,
और जो साड़ी दी है उसका ब्लाउज पीस है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ब्लाउज पीस ही क्यों दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जो जिस शॉप से मैं लेती हूँ वो पॉलिशिंग के लिए रख लेते हैं, क्योंकि वो जो दिखाते हैं ना सारे लोगों को दिखाते हैं, फिर पॉलिशिंग नहीं होती है, तो इसी वजह से अगर हमें कोई फंक्शन में पहनना होता है तो फिर हमें तो ज़रूरी होता है पॉलिश करना उसे, तो इसी वजह से वो पॉलिशिंग के लिए रख देते हैं, तो ब्लाउज निकाल के दे देते हैं क्योंकि हमें स्टिच करने के लिए डालना होता है ब्लाउज। तो ये वाला ब्लाउज है उसका साड़ी का, और काफ़ी अच्छी है साड़ी, ये भी साउथ इंडियन साड़ी ही है। और ये है ब्लाउज उसका लहंगे का, ये देखिए ये पूरा ब्लाउज पे वर्क है, गोल्डन कलर का है ये लहंगा। ये क्या कैसे दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर, ये देखिए पूरा इस तरह का है ब्लाउज पीस उसका। जब पूरा आ जाएगा बनके तो मैं आपको दिखा दूंगी, तो तब तक आप वेट करिए। और मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहती थी पूरा ही, बट उन्होंने रख लिया तो इसी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। बट अगर आपको ये ब्लू लहंगा पसंद आता है तो एक्चुअली ना कम प्राइस में अच्छा है लहंगा, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो अगर नहीं अच्छा होता तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताती। कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कोई आपके घर का फंक्शन नहीं है, आप लहंगा पहनना चाहते हो और आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हो, तो आप ले सकते हो वो वाला लहंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। हाँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो अभी खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा पेट भर के वहाँ से खा के आए हैं, और ज़्यादा कुछ अभी दिखाने लायक भी कुछ नहीं है आपको, तो जो दिखाने लायक था वो मैंने आपको दिखा दिया, तो ये छोटा सा ही ब्लॉग बनेगा, आई होप आप समझोगे। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, कभी कभी होता है यार कुछ दिखाने लायक नहीं होता है, तो इसी वजह से आप समझ जाना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यू, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियो, मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।